वेलकम टू बुल्स एरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेरोलैक और बजट पॉइंट, इन दोनों स्टॉक के बारे में। दोनों ही सेम सेक्टर के स्टॉक्स हैं और दोनों में एज पर टेक्निकल एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिली है, तो उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेरोलैक के बारे में। ये नेरोलैक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है उसे आपके साथ डिस्कस करने से पहले, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने 25 अक्टूबर को आपको इस स्टॉक को 1531 के लेवल में बाइंग पहले से ऑलरेडी सजेस्ट किया था और इस स्टॉक में उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आप नज़र डालें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 25 अक्टूबर को वीडियो आपके साथ शेयर किया और उसके बाद इसमें 26 अक्टूबर को स्टॉक में जो लो लगा वो 523 का लगा और यहाँ पर हमने आपको 531-532 में आपको सजेस्ट किया था ऑलरेडी पहले से, और यहाँ पर 523 का लो लगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने सेम डे ही कितनी बड़ी रिवर्सल ली और सेम डे स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई, जो हाई लगा वो आप देख सकते हैं 582, तो इतनी बड़ी रैली हुई और उसके बाद भी ने ये जो स्टॉक है इसके ऊपर ही रहा और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 604-605 के लेवल को टेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हम पहले से डिस्कस करते रहते हैं जो बेस्ट सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल है पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन सारी चीज़ों का पहले से बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको इन सभी चीज़ों का टाइमली बेनिफिट मिल पाएगा। और अब बात करते हैं नेरोलैक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, रैली किया और ये 601-604 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रैली जब स्टार्ट लगी थी तो यहाँ पर स्टॉक ने 13610 का हाई भी लगाया बट उसके बाद ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट दो दिनों तक इसमें रेड कैंडल बनी, गिरावट रही और फाइनली जो लो लगा वो 570 का लगा, तो 30-35 रुपये के करीब इसमें गिरावट भी हुई। तो अभी भी जो सेम रेजिस्टेंस जोन है इस स्टॉक में वो 601-604 का ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक ये फ्राइडे को इस कैंडल में अगर गौर करें तो 604.9 का हाई लगाया और वहाँ से जो क्लोजिंग हुई 596.55 की। तो अगेन ये सेम रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी 601-604 का। जब तक इस रेजिस्टेंस को ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता है यहाँ से पैनिक सेलिंग की, डाउनफॉल की पूरी उम्मीद बनी रहेगी। जब ये ब्रेक करेगा तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बाइंग सजेस्ट किया था और ये यहाँ गया था पहले की प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं प्रूफ के लिए। तो इस तरह की सेम पॉसिबिलिटी इसके ऊपर बनेगी, जब ये इस लेवल को 604 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग करेगा तो इसके ऊपर में नेक्स्ट कोई भी नियर में रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे ये अच्छा सा फिर से ऊपर में रैली करेगा। तो जब वो चीज़ होगी तब हम उसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए 601-604 एक रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग चले तो आपको पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। और अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में भी ये जैसा कि ये वाली वीडियो में हमने बर्जर पेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्जर पेंट भी डाउन साइड में आपको सजेस्ट किया था, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था इस स्टॉक में इस चार्ट में वो टच नहीं हो पाया। मिडिल से ही इसने रिवर्सल लिया, यहाँ से 717-718 के लेवल से इसने रिवर्स कर दिया और उसके बाद रैली ही कर रहा है। तो इस रैली में इसमें जो लास्ट वीक जो फ्राइडे में इसका हाई लगा था वो 797.9 का लगा था, अप्रॉक्सीमेटली 798 हम कह सकते हैं। तो इसमें नियर बाई में ही 808.7, 812 और 812 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि नेरोलैक ने भी दिखाया तो उसी तरह से इसमें भी 808.7 और 812 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो आपको पहले से नोट करके रखना ज़रूरी है, तभी ये स्टॉक अगर इस लेवल में आएगा तो इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करके फ़ायदा ले सकते हैं। जो नीचे के लेवल से बाइंग करके रखे हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो सेल के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए सेलिंग जोन ये अच्छा सा साबित हो सकता है, और इस अपर लेवल में बाइंग को अवॉइड करें जब तक कि ये 812 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है। तो आई होप आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया और लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और इस तरह का जो एडवांस में लेवल है जो कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉक में अलग अलग टाइम में डिस्कस करते रहते हैं, इसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।